हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम लोग किंगडम प्रोटेस्टा को कंटिन्यू करेंगे। ये जो मैं सीरीज़ बना रही हूँ, ये स्पेशली नीट और एकेडमिक के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगी। चैप्टर वन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर टू स्टार्ट कर चुके हैं। किंगडम मोनेरा हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया था और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। तो किंगडम प्रोटेस्टा जो होते हैं, दे आर बेसिकली सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स। आप इनको यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं और बेसिकली ये क्या है, यूकेरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं और क्या है, यूकेरियोट्स हैं। ओके, सो बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन जो इनकी बाउंड्रीज हैं इस किंगडम की, वो वेल डिफाइंड नहीं है। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा टू वन बायोलॉजिस्ट, मे बी अ प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ अंडर प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोगों ने इतने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं बेसिकली, वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और एक्वेटिक का मतलब जो इनका हैबिटेट है वो वाटर है, ठीक है। दे आर प्राइमरली एक्वेटिक and this kingdom forms a link with the other, dealing with the plants, animals and fungi. Being eukaryotes, eukaryotes होने की वजह से जो protista की cell body है वो contain करेगी एक well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella or cilia. कुछ organisms इनके ऐसे हैं protista के जिनके पास क्या मिलेगा आपको, cilia और flagella, जो कि एक locomotory organs हैं, ठीक है। एंड दिस प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। देखिए, ये जो प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि वहां पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जायगोट बन रहा है तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स किसको बोलते हैं हम लोग, इस ग्रुप में डाई एटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी को रखा गया, जिसको हम लोग डेस्मिड्स बोलते हैं, ठीक है। सो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मरीन एनवायरनमेंट में। मतलब कि आप ओवरऑल, मैंने आपको बताया था लास्ट पैराग्राफ में कि वो कैसे हैं, एक्वेटिक है, और एक्वेटिक का मतलब वो वाटर में होंगे और वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन भी हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि पैसिवली फ्लोट कर पाता है वाटर करंट में। एंड मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर कैसे हैं, ये फोटोसिंथेटिक हैं। इन डायएटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। यहाँ पे दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनते हैं विच फिट टूगेदर एज इन अ सोप बॉक्स एंड द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। जो डायएटम्स होते हैं, दे हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट। इनके पास जो इनकी सेल वॉल है उसमें काफ़ी डिपॉजिट्स होते हैं और इनका जो अकुमुलेशन होगा बिलियन ऑफ ईयर्स, उसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डायएटमेशियस अर्थ। कई बार स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एकेडमिक्स में भी और नीट में भी आ जाता है ये क्वेश्चन कि डायएटमेशियस अर्थ किसकी रिगार्डिंग रखा गया है। सो बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। और डाई एटम्स जो हैं चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशन से। आप इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, कई बार एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लीक में आ जाता है कि डाई एटम्स या प्रोड्यूसर्स जो हैं ओशंस के, वो किनको बोला गया है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, डायनोफ्लेजलेट्स को डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। तो डायनोफ्लेजलेट्स की अगर हम लोग बात करें, तो डायनोफ्लेजलेट्स बेसिकली कैसे होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन, फोटोसिंथेटिक भी हैं, कभी कभी येलो अपीयर होते हैं, ग्रीन और ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंड करता है उनके मेन पिगमेंट्स कैसे हैं। एंड द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। जो इनकी सेल वॉल होती है वहां पे क्या होगा, सेलुलोज की प्लेट मिलेगी। और मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक फ्लैजेला इनका कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, एंड द अदर ट्रांसवर्सली, और दूसरा जो है कैसा होगा, ट्रांसवर्सल होगा। एंड वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लेजलेट्स को हम लोग गोनियोलैक्स बोलेंगे, जो कि रैपिड मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं। और यहाँ से जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं वो
किल कर देते हैं बहुत सारे मरीन एनिमल्स को, जैसे कि फिशेज हैं। ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। यूग्लेनॉइड्स, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, जो रुका हुआ पानी है, ठहरा हुआ पानी है, वहां पे आपको मिलेगा। और दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर जिसको कि हम लोग पैलिसिल बोलेंगे, जो कि आपकी, जो कि यूग्लेनॉइड्स की बॉडी को कैसा बना देता है, फ्लेक्सिबल बना देगा, ठीक है। और दे हैव टू फ्लैजेला, एक शॉर्ट फ्लैजेला इनके पास, एक लॉन्ग फ्लैजेला है। फोटोसिंथेटिक होते हैं अगर सनलाइट प्रेजेंट है, और अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेटरोट्रॉफ की तरह भी काम कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपना फूड ले सकते हैं। एंड द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो जो इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं जो कि हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं स्लाइम मोल्ड्स की तरफ। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं स्लाइम मोल्ड्स, दीज आर बेसिकली सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। इनकी जो बॉडी है वो मूव करती है, डिकेइंग ट्विग्स होती हैं, लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेते हैं, और सुटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलेंगे, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और क्या बनाते हैं, दे विल फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, दे विल फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। एंड ये जो स्पोर्स होंगे इनमें ट्रू वॉल्स होती हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, सर्वाइव करते हैं बहुत सालों तक, एंड द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे। हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो प्रोटोजोआ है बेसिकली ऑटोट्रॉफ है कि हेटरोट्रॉफ है। तो हम लोग हेटरोट्रॉफ उसको बोलते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स की, जो कैसे होते हैं, दे नॉट मेक देयर ओन फूड, और ये प्रेडेटर्स की तरह लिव करते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। और चार तरीके के प्रोटोजोआ हैं, एमीबॉयड प्रोटोजोआ। एमीबॉयड का मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है रहते हैं फ्रेश वाटर सी वाटर में, मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने प्रे को बाय पुटिंग आउट जूडोपोडिया। और जूडोपोडिया जैसा कि आपने, अमीबा बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, इन्हीं को हम लोग फॉल्स फीट बोलते हैं। मरीन फॉर्म में इनके पास सिलिका की शेल्स होती हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आया है कि किस किसकी शेल्स होती हैं, तो सिलिका आपको याद रखना होगा। एंड सम ऑफ दम एज एंटा अमीबा और आर पैरासाइट्स। कुछ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ भी हैं जिनमें आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर या तो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासिटिक होंगे। पैरासिटिक का मतलब कोई एक बॉडी होगी जिसके ऊपर डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए। वो एक्टो पैरासाइट भी हो सकता है और एंडो पैरासाइट भी हो सकता है, एक्टो एंडो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा, आपने भी एक डिजीज सुनी होगी जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी और ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है और इसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के पास है सीलिएटेड प्रोटोजोआ। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि सीलिया प्रेजेंट होगा, एक्वेटिक हैं ये, और इनमें एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इनके पास सीलिया होगा। इनकी कैविटी जो होगी जिसको हम लोग ग्यूलेट बोलेंगे ओपन होती है आउटसाइड द सेल सर्फेस, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा रो ऑफ सीलिया, दिस कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द ग्यूलेट, फॉर एग्जांपल पैरामेशियम, जो कि स्लिपर लाइक स्ट्रक्चर होगा। लास्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स क्या होते हैं, यहाँ पे बेसिकली ये काफी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है। इनके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होगी इनकी लाइफ साइकिल में। मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया। देखिए प्लाज्मोडियम में भी बहुत सारी स्पीशीज मिलती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये अलग अलग डिपेंड करेगा कि वो कैसा मलेरिया कॉज कर रहे हैं, टर्शियन मलेरिया कॉज कर रहे हैं कि कैसा मलेरिया कॉज कर रहे हैं। सो विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा को देखा, और कुछ ही पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने वाले होंगे। यहाँ किंगडम मोनेरा हम लोग पहले पढ़ चुके थे, प्रोटिस्टा देखा हम लोगों ने, और प्रोटिस्टा में बेसिकली हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करा, जैसे क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ, ठीक है। तो अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट किंगडम फंगी। फंगी जो किंगडम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में, एकेडमिक में और नीट में पूछे जाते हैं।
इसी उम्मीद के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल दोबारा मिलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय.